नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक छोटी बच्ची है जिसका कुछ प्रश्न है मैथ का, कक्षा सात में पढ़ती है, तो वो अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। तो आ बेटा, कौन सा प्रश्न है? 2.7 वाला अंक। कौन सा सवाल है ये? 2.7 वाला पहला। अच्छा, इसका पहला। और इसमें जैसे मान लो कि 6-7 सवाल हैं, तो जिस उसमें से जो कठिन होता है तुम्हें वो हमें बताना, वो हम बता देंगे। ठीक है चलो नंबर। साथियों, ये बच्ची का कक्षा 7 का सवाल है। ये आप सभी लोगों में से जिसको भी ये फायदेमंद हो वो देखे कक्षा 7 का गणित है। कक्षा 7 का ये गणित है। बच्ची एक सवाल समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए आई थी, तो ये सवाल हम बता दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला सवाल, समझती रहना तुम भी। पहला सवाल 6/7, 6/7 और फिर यहीं पर लिखा है 1/-10। एक 6/-6/7 और 1/-10 ये चीज है। और ये लिखा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो इन दोनों में पहली संख्या कौन सी है? ये वाली है, ये पहली संख्या है, और दूसरी संख्या ये वाली है। तो कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दो। तो जैसे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे, भाग दो, तो ये इतना आसान है। आप लोग भी देखते रहिए, समझते रहिए कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और कह रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दो। तो एक ये हमेशा छोटा सा नियम होता है कि जब भी भाग देने वाली बात आती है, अगर बटे में लिखा है कोई चीज, जैसे लिखा है -6/7 और लिखा है -1/10। अब कह रहा है कि इस पहली संख्या को इससे भाग दो, तो जब भी बटे वाला सवाल होगा और भाग देने वाली बात आएगी, तो जो पहली संख्या है इसको ऐसे ही सेम उतार देंगे, और जब भाग देने की बात आ रही है ना, भाग देने की बात, तो हम गुणा कर देंगे उसको। गुणा कर देंगे, जब भी भाग देने के लिए लिखा रहेगा तो हम गुणा कर देंगे, और गुणा करने के साथ साथ जो ये दूसरी संख्या है ना, इसको पलट देंगे। मतलब ये नीचे वाला हर ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला अंश नीचे कर देंगे। मतलब 1/10 जैसे लिखा है तो ये 10/1 कर देंगे। ठीक है, बस। अब 10 6 60 और 7 1 7 7 और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। जब भी भाग देने के लिए आए बस तुरंत उसको गुणा कर दो, लेकिन जो दूसरी संख्या रहेगी उसका जो है हर ऊपर कर देंगे अंश की तरफ, और अंश नीचे हर की तरफ कर देंगे। पूरा सवाल है, पूरे सवाल का भी ऐसे होगा। जितना सवाल है इसमें 6 सवाल है, 1 2 3 4 5 8 सवाल है, 9 सवाल है। 9 सवाल में भाग देने के लिए लिखा हुआ है, तो 9 का 9 सवाल सेम ऐसे रहेगा। भाग देने के लिए लिखा हुआ है, आप गुणा कर देना, गुणा करके और जो दूसरी संख्या रहेगी उसको पलट देना, 10/1 कर देना। अगर अगर मान लो 1/10 लिखा है तो उसको 10/1 कर देना, अगर 4/5 लिखा है तो उसको 5/4 कर देना। इसका एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको हम और फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे एक सवाल और है कि 65/-14, तो ये पहली संख्या हो गई, और फिर है -13/7, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई ना, और पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा नंबर इसमें बड़ा बड़ा है, लेकिन है सेम वैसे ही। देखो, पहली संख्या ये थी तो इसको हमने उतार लिया, ऐसे ही -14 कर दिया, ठीक, जो है वही उतार लिया।
अब भाग देने के लिए लिखा हुआ है ना, तो हम गुणा कर देंगे और इसको पलट देंगे, 13 नीचे कर देंगे 7 ऊपर कर देंगे, ठीक है? तो 7/-13 हो गया। अब देखो 7 से ये कट रहा है, 7 × 2 = 14 कट रहा है ना। अब इस 13 से 65 भी कट रहा है, 13×5 = 65। अब यहाँ 1 बचा था तो 5 × 1 = 5 हो गया, बटा यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 13 तो पूरा पूरा चला गया 65 में, 13×65 तो यहाँ 1 बचा, 2 × 1 = 2। और ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 5/2 हो गया। इसमें और तुम्हें अगर कोई कठिन लगता हो तो आओ बताओ, जो कठिन लगता हो तुम्हें वो बताओ। अच्छा ठीक है, बैठो ध्यान से समझते रहो, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना। जैसे ये समझ गई, ये जो तुमने कहा जी वाला ना, 5/6 तो ये तो पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या है -3/2। इसको भी सेम वैसे ही करना है, इसको भी पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है, ठीक है? तो पहली संख्या हम वैसे उतार लेंगे, क्योंकि भाग देना है तो हमने कहा कि गुणा कर देना। जब भी भाग देने के लिए कहा जाए गुणा कर देना, सिर्फ बटे वाले सवाल में, जब बटे वाला सवाल हो तभी ये नियम लगेगा। तो गुणा हमने कर दिया और 2 को ऊपर भेज दिया और 3 को कहा कि तुम नीचे जाओ, तो 2 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, तो ये माइनस भी नीचे चला आया साथ में। तो अब देखो 2 से 6 कट रहा है, 2 × 3 = 6 कट गया, तो अब 5 × 1 = 5/3 = 9 और ये माइनस है, तो अब उत्तर तुम्हारा ये हो गया, ये वाला। हाँ ये उत्तर हो गया बस। और इसमें अगला सवाल है, ये देखो कितना बढ़िया सवाल है, ये भी सेम वैसे है लेकिन इसमें भागे का सिंबल दिया हुआ है, भागे का सिंबल यहाँ लिखा हुआ था कि भाग दीजिए, यहाँ भागे का सिंबल दिया हुआ है, इसको भी समझा देना। देखो लिखा हुआ है, ये कौन सा सवाल है, 5वां। इसमें लिखा हुआ है कि 2/3 भागे, ये भागे का निशान है, पता है इतना ना, 2/3 भागे -4/5 यही सवाल है। तो ये भी सेम वैसे ही है, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, तो इस संख्या को आप सेम ऐसे उतार लो 2/3 और इसके स्थान पर गुणा कर देंगे, भाग देना है ना तो भाग को हम गुणा के रूप में बदल देंगे, और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 5 जो हर में है वो ऊपर कर देंगे और 4 नीचे हर के स्थान पर ले आएंगे, तो 5/-4 ये हो गया। अब 2 से कट जा रहा है, 2 × 4 तो यहाँ तो 1 बचा, तो 5 × 1 = 5 हो गया, और यहाँ 3 × 6 कर देंगे, ये माइनस अभी भी है तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक सवाल और है, थोड़ा सा जो है कठिन है, थोड़ा नंबर ज्यादा है इसमें, तो दूसरा सवाल है, ये 5वें का ही दूसरा सवाल है। इसमें 7/-7/12 भागे, ठीक, -2/3 यही तो लिखा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको वैसे हाँ सेम उतार देंगे, -7/12 और भागे के स्थान पर गुणा कर देंगे और इसको उल्टा करके उतार देंगे, मतलब अंश को हर में ले आएंगे और नीचे वाले हर को अंश की तरफ ले जाएंगे, तो 3/-2 हो गया, ठीक है। अब इस 3 से 12 कट रहा है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 × 3 = 6 × 3 = 12 ये 4 बार में कट गया। अब क्या बचा, -7 बचा ऊपर और इधर 1 बचा, तो 7 × 1 = 7 ही होता है, और 4 × 2 = 8 इधर भी ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, बचा कितना, 7/8 तो ये उत्तर हो जाएगा,
ठीक है, ठीक है। इसी में एक सवाल और है, जैसे ये चौथा सवाल है तो इसको हम बताते हैं, इसको समझ लो, ये थोड़ा सा है वैसे ही सेम लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता होगा तुम्हें। कैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है, ये छठवें का है, लिखा हुआ है कि 8/9, 8/9 भागे, यहाँ डॉट 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 किया है, डॉट डॉट मतलब यहाँ क्या रखा जाए कि कितना आ जाए, -2/3, ठीक है, ठीक है। यानी कि 8/9 में किससे हम भाग दे दें कि 2/3 आ जाए। तो अगर ऐसा सवाल तुम्हें मिल जाता है तो इसी संख्या से इसमें भाग दे दिया जाता है, यानी 8/9 में इसी संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब भाग दे देंगे तो ये निकल आएगा कि यहाँ क्या रहेगा। अब भाग देने के लिए हमने क्या बताया था, ये तो सेम उतार लेंगे और भाग के स्थान पर गुणा कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा पलट देंगे, 3/-2 हो गया, तो 3 3 9 और 2 4 8। अब 4 1 4 यहाँ एक ही बचा ना, और 3 1 3 यहाँ 3 बचा, अब ये माइनस तो अभी भी बचा हुआ है ना, तो ये उत्तर हो गया। यानी कि यहाँ पर कौन सा रहेगा, ये खाली स्थान पे 4/-3 रहेगा, ठीक। अब अगर ये देखना हो कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है तब क्या करेंगे, इसको देख लेंगे भाग दे करके, अगर इतना आ जाता है तो जान लो ये सही है। तो देख लेते हैं, 8/9 भागे 4/-3 यही तो है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 8/9 तो सेम उतार लेंगे, भागे का स्थान पर गुणा कर देंगे और इसको पलट देंगे, -3/4 कर देंगे, अगर इतना आ जाता है तो जान लो ये हमारा उत्तर सही आया है। तो 4 2 8 और 3 3 9, तो इधर 1 2 2 1 3 और ये माइनस ऊपर वाला है, तो देखो आया कि नहीं आया, इतना आ गया ना, तो इसलिए हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस तरह का जब भी सवाल मिले डॉट डॉट वाला, जैसे लिखा रहे मान लो कि 8/2, अब यहाँ 2 ना लिखा रहे, यहाँ डॉट डॉट किया रहे, बराबर यहाँ 4 लिखा रहे, अब सोचो कि यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी कि हम उससे 8 को भाग दे दें तो 4 आ जाए। अब ये जानने के लिए इसी 4 से इसमें भाग दे दिया जाता है, यानी कि 8 में 4 से भाग दे दोगी तो 4 2 8 आ जाएगा। अब यही 2 यहाँ पर रहेगा, तब 8 में जब भाग दोगी तो 2 4 8 4 बार में कटा ना, वही 4 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इस तरह के सवाल समझ गई, तो जितने भी इस तरह के सवाल हैं वो सवाल लगाना पूरा, जो कठिन लगेगा वो हमसे पूछ लेना आके, और जो हम इसके पहले बताए हैं भाग वाला, जैसे ये चौथा या दूसरा वाला सवाल, पहला वाला 2.7 का पहला वाला 9 सवाल है, इसमें 9 सवाल लगाना, सेम भाग देने वाला है, सेम भाग को गुणा के रूप में बदल देना और बाद वाली संख्या यानी दूसरी संख्या को पलट देना, लगाना 9 सवाल लगाना, जो कठिन रहेगा नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लेना आगे। बाकी ये जो हम डॉट डॉट वाला सवाल बताया है इसको भी लगाना, ये डॉट डॉट के स्थान पे क्या रहेगा ये जानने के लिए इसी संख्या को इससे भाग दे देते हैं, ठीक। उसके बाद जो उत्तर आता है वही चीज यहाँ लिख देते हैं, वही सही हो जाता है। तो इस तरह वाले सवाल को, जितने भी सवाल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल ये भी हैं, ये भी लगाना, और 4 सवाल निशान वाले हैं जिसमें निशान दिया, सिंबल दिया हुआ भाग का, 4 6 सवाल वो सब लगाना। तो तुम्हारा इस तरह से 6 6 12 और 4 16 सवाल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है लगाना 16 सवाल, जो नहीं समझ पाना वो हमसे पूछ लेना, तो जो भी तुम्हें कठिन लगेगा वो हमसे पूछना आके, हम ये हैं, जो सवाल तुम्हें कठिन लगे वो आके पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी जितना हम बताए हैं तरीका उस तरीके से सारा सवाल, 6 सवाल ऐसा है और 6 सवाल पहले नियम जैसा है और डट डट वाला 4 5 सवाल है, तो 16 17 सवाल हो गए। पूरा लगाना, जो कठिन लगेगा 2 4 6 8 उसको हमसे आके पूछ लेना, ठीक। तो आपने देखा साथियों, आपके भी एक काम आ सकता है, आप लोग भी वीडियो बराबर देखें, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया पूरा सवाल? यस सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।